हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा। सो बहुत दिनों के बाद आज मैं बना रही हूँ व्लॉग, और ये व्लॉग बनाना तो ज़रूरी था ही, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गोवा, जो मेरे ड्रीम प्लेसों में से एक है। वैसे तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे गोवा जाने का, पर फाइनल अब हो रहा है। और हम जा सकते थे फ्लाइट में भी, पर हमने सोचा कि हम ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ट्रेन में भी मेरा सफ़र पहली बार होगा, और इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो सबसे पहले हम जाएंगे कालूपुर स्टेशन, कालूपुर स्टेशन से हम जाएंगे मुंबई, और मुंबई से हम जाएंगे गोवा। सो मुंबई में हम रहने वाले हैं कुछ 8 घंटे, तो हमने सोचा कि मुंबई भी थोड़ा देख लेते हैं। इसीलिए ए व्लॉग में हम देखेंगे मुंबई, और नेक्स्ट में हम देखेंगे गोवा। चले शुरू करते हैं हमारा सफ़र। हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, और हम जाने वाले हैं कालूपुर स्टेशन। ठीक 6:30 बजे हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे, और हमारी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस वो ऑन टाइम पे थी, बिल्कुल भी लेट नहीं थी। हमने हमारा प्लेटफॉर्म ढूँढा, और हमने हमारी ट्रेन पकड़ ली तेजस एक्सप्रेस। 7:45 बजे हमारी ट्रेन मुंबई जाने के लिए प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और मैं जिस ट्रेन में बैठी हूँ, तेजस एक्सप्रेस, वो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। इसकी सर्विस बहुत ही बढ़िया है। 15 मिनट में ही हमें चाय और नाश्ता मिल गया है, और हमें लंच टाइम पे लंच भी मिल गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरी ट्रेन का नज़ारा, जिसे मैंने दूर से शूट किया है। आप देख रहे हैं, ये एसी चेयर ट्रेन है, जो 6 घंटे में हमें अहमदाबाद से मुंबई पहुंचाएगी। हे गाइस, अभी हम ट्रेन में बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ी बोर हो रहे थे, थोड़ी गेम खेल रहे हैं, मुंबई में मिलते हैं। 1:30 बज गए हैं, और हम पहुँच गए हैं मुंबई सेंट्रल। तो मैं अभी मुंबई पहुंच गई हूँ, और यहाँ से हम पूरा मुंबई मैं घूमूंगी, और आपको भी घुमाऊंगी। अभी हमारे साथ क्या हुआ, एक हमें जस्ट हम मुंबई ट्रेन से यहाँ आ रहे थे, और हमारा लगेज वगैरह हमें एक लॉकर में रखना था, पर हमने रेडी होने में इतना वक्त गवा कर दिया कि उसकी वजह से हमारे जो लॉकर था वो बंद हो गया, और अब हमें पर्सनली घूमना पड़ेगा अपने बैग ले लेके। पर यहाँ हमें एक रिक्शा, एक टैक्सी वाले भैया मिल गए हैं, उन्होंने कहा कि हम खुद आपको घुमाएंगे, पर थोड़े चार्जेस होंगे हमारा, पर हम घुमा देंगे आपको पूरा मुंबई। तो अच्छे थे वो भैया, और हम घूम पाएंगे उनकी वजह से पूरा मुंबई, वरना तो हमें लगता नहीं था कि हम घूम पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पनवेल, जहाँ हमारी 9:30 बजे ट्रेन आने वाली है, वहाँ जाना था। और अभी तो हमारा लगेज यहाँ मिलने का हमें लॉकर मिला नहीं, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पनवेल ही जाते हैं और पनवेल घूमेंगे, पर पनवेल में कुछ घूमने लायक है नहीं, और वहाँ सिर्फ रेलवे स्टेशन ही है। तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ, अभी हमारी टैक्सी आ चुकी है, तो बाय बाय। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम टैक्सी में बैठकर मुंबई घूम रहे हैं। सबसे पहले चौपाटी और मरीन ड्राइव जाएंगे, देखते हैं कि टैक्सी वाले भैया हमें कहां कहां घुमाएंगे। इस वीडियो को शूट करने से पहले बता दूं कि हम गए थे महालक्ष्मी मंदिर, और वहां पे वीडियो और फ़ोटो अलाउड नहीं था। वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दूर से ही हमने दर्शन किए और वापस टैक्सी में आ गए। अब हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव। आप देख रहे हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आप देख सकते हैं मुंबई, और ये है मुंबई मेरी जान। यहाँ से हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ ज़्यादा है,
जो भी लोग मुंबई आते हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया जरूर देखते हैं। यहाँ से पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोट अवेलेबल है तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने बोटिंग की नहीं, पर अगर आप जाओ तो ज़रूर करना। मुंबई दर्शन के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह है, जैसे कि हाजी अली दरगाह, सिद्धिविनायक टेम्पल, जुहू चौपाटी, राजाबाई क्लॉक टावर, माउंट मैरी चर्च, संजय गांधी नेशनल पार्क। हमारे पास तो टाइम नहीं था देखने का, क्योंकि अभी हमें गोवा पहुंचना था, सो इसलिए हमने तो नहीं देखा, पर अगर आप जाओ तो ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी हम इंडिया गेट घूम के आए और अब हम हमारी टैक्सी में बैठे हैं और अब हम यहाँ से पनवेल जा रहे हैं। पनवेल रेलवे स्टेशन, वहाँ हमारी ट्रेन है और 9:30 बजे की हमारी ट्रेन है, तो फिर वहाँ से हम गोवा जाएंगे। इंडिया गेट घूम के हमें मज़ा आया, पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ, और शाम को अच्छा होता है, वरना तो दोपहर में जाओगे तो नहीं मज़ा आएगा, तो आप अगर जाओ तो शाम को जरूर जाना। तो अभी हमें नाश्ता, भूख लगी है थोड़ी थोड़ी, तो हम सोचते हैं कि कुछ नाश्ता वास्ता करके फिर जाएंगे पनवेल रेलवे स्टेशन, तो मैं वहाँ मिलती हूँ आपको। हम पनवेल पहुँच गए हैं और शाम के 6:30 बजे है, ट्रेन 9:30 बजे की है और वो भी डिले है, तो अभी हमारे पास 3 घंटे है, तो अब हम खाना खाने के लिए जाएंगे, इसके बाद हम ट्रेन पकड़ के पनवेल से गोवा। तो कल मिलते हैं सीधे गोवा में, तब तक के लिए गुड नाइट।